हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार होलिस्टिक हीलिंग 111। मैं हूं मोनिका जैन, 35 टैरो कार्ड रीडर, रेकी एंड क्रिस्टल ग्रैंड मास्टर। और आज का टॉपिक मैं लेकर आई हूं कि नेक्स्ट क्या होगा आप दोनों के रिलेशन में। आपकी अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आप दोनों के मन में क्या चल रहा है, नेक्स्ट आने वाले 7 डेज में क्या होने वाला है, क्या चेंज आएगा और आपको इसके लिए क्या डिसीजंस लेने चाहिए। तो गाइज, ये पाइल रीडिंग है और ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ रेजोनेट हो। अगर पाइल 1 के मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं होते हैं तो आप पाइल 2 भी देख सकते हैं। और जनरल रीडिंग है तो आपसे जितने मैसेजेस रेजोनेट करते हैं उतने लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। पाइल 1 और पाइल 2 दो पाइल्स है। कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करिए और अपने ईश्वर को याद करिए और अपने ईश्वर से जानिए कि कौन सी पाइल में आपके लिए मैसेजेस है। स्टार्ट करते हैं पाइल 1। ओके गाइस, पाइल 1 जिसने भी चूज किया है, देखते हैं कि अभी उनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। पाइल 1 के पार्टनर के मन में अभी क्या चल रहा है, पाइल 1 के पार्टनर के मन में अभी क्या चल रहा है, पाइल 1 के पार्टनर के मन में अपने आप ही कार्ड्स हैं तो हम लेते हैं। पाइल 1 के पार्टनर के मन में अभी क्या चल रहा है। ओके, उनकी एनर्जी कैसी है, पाइल 1 के पार्टनर की एनर्जी अभी कैसी है। बॉटम ऑफ द डेक अटैचमेंट्स। ओके, पाइल 1 जो भी ये देख रहे हैं, थोड़ा सा कैमरा शिफ्ट करेंगे। यस, पाइल 1 कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अभी शायद नहीं, आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, आपके पार्टनर ने अभी आपको मैसेज करना, कॉल करना बिल्कुल बंद कर दिया है। वो कोई कमिटमेंट आपको नहीं देना चाहते हैं अभी इस वक्त। उनकी सिचुएशन ऐसी है कि शायद हो सकता है उनको करियर रिलेटेड इश्यूज हो, उनको कुछ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मीन्स वो नहीं चाहते हैं अभी इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा कंटिन्यू करना नहीं चाहते हैं, इस रिश्ते को कोई नाम देना नहीं चाहते हैं। और वो ऐसा देखते हैं कि आपके पास सब कुछ है लेकिन कुछ उनमें जो कमियां हैं पहले वो उनको कंप्लीट करना चाहते हैं। हो सकता है कि वो आपके लायक बनना चाहते हैं, मैं ऐसा कहूँगी कि शायद वो बहुत अपने करियर ओरिएंटेड पर्सन है, वो चाहते हैं कि वो खूब पैसा कमाए, वो खूब आगे बढ़े, सक्सेस लाए अपनी लाइफ में, उसके बाद ही वो किसी रिश्ते को अपनाना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक भी अटैचमेंट कार्ड था तो ऐसा लग रहा था कि अभी उन्होंने इस सिचुएशन में अभी यही डिसाइड किया है कि मुझे इस रिश्ते को अभी कंटिन्यू नहीं करना है, या फिर कुछ टाइम के लिए उन्होंने अभी रोक दिया है, मैसेज रोक दिए हैं, कॉल रोक दिए हैं। वो चाहते हैं कि अभी इसको कोई कमिटमेंट ना मिले। हॉस्टिलिटीज एंड द वर्ल्ड है, जैसा कि मैंने कहा कि वो पूरी दुनिया को जीतना चाहते हैं। दुनिया जीतना मीन्स वो चाहते हैं कि जो सक्सेस उन्होंने अपने लिए सोच के रखी है पहले वो उसको अपना ले, उसको पा ले, उसके बाद ही वो कुछ डिसीजंस ले। और यहाँ पे भी यही दिखा रहा है कि वो अभी अपने आप को सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप गलत मत सोचिए, अगर वो अभी आपसे कॉन्टेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो वो आपके लायक बनना चाहते हैं। वो अभी चाहते हैं कि मैं उन जिम्मेदारियों को, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आने वाली है लाइफ में, पहले मैं उसको कम्प्लीट करने के लायक बन जाऊँ, उसके बाद मैं कमिटमेंट दूँ, उसके बाद मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ूँ। अभी वो बिल्कुल हर्मिट की एनर्जी में है, मैं ऐसा कहूँगी कि अभी वो कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। देखते हैं पाइल 1 की आपकी एनर्जी अभी क्या कह रही है, आपके मन में अभी क्या चल रहा है। जो व्यूअर्स इसे देख रहे हैं उनके मन में अभी अपने पार्टनर के लिए क्या चल रहा है, पार्टनर
के लिए क्या चल रहा है, सारे कार्ड्स हैं। अभी आपके मन में पार्टनर के लिए क्या चल रहा है, और आपकी एनर्जी अभी कैसी है। बॉटम ऑफ द डेक हम देखेंगे टेम्परेंस एनर्जी है, आपकी एनर्जी अभी कैसी है। गाइस आपकी एनर्जी अभी देखिए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड और क्वीन ऑफ वॉन्ड, दो क्वींस यहाँ पर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पर्सन आपके लायक बनना चाहते हैं, जो भी ये रीडिंग देख रहा है वो अच्छी स्टेबिलिटी में है, लाइक वो अपनी जॉब में अच्छी जगह है, पैसा उनके पास है, और इमोशन मतलब हर तरह से वो खुश है, वो हैप्पीनेस चाहती है, और कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है तो वो आप चाहते हैं, आपने कुछ ऐसा या तो आपने भी कुछ ऐसा अपने पर्सन को कहा है कि आपको कुछ ऐसा पर्सन चाहिए जो मेरे लायक हो, या फिर फाइनेंशियल कुछ आपकी ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से आपके पर्सन ने अभी स्टॉप कर दिया है। आप ही ने कुछ ऐसे शब्द कहे हैं जो उनको दिल पे लग गए हैं। जैसा कि मैं कहूँगी, अभी आप समझ भी पा रहे हैं, आप इंट्यूटिव है, आपको पता चल रहा है कि आपने क्या गलत कहा है, तो आप उसके लिए गिल्ट में भी हैं, आप सॉरी भी फील कर रहे हैं, और आप किसी भी तरह से इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आपके पर्सन वापस आ जाए, आपकी एनर्जी यही कह रही है। यस, मैन होल्डिंग अ कॉइन, आप चाहते हैं कि फिर से आपका पर्सन उसी जगह पर आ जाए जिस जगह पर वो था, आप चाहते हैं कि उसको भी लाइफ में स्टेबिलिटी मिल जाए, आप उसके साथ उस पर्सन के साथ एक अच्छी लाइफ चाहते हैं, लाइफ जीना चाहते हैं, कोई भी कंडीशन हो आप उसको पाना चाहते हैं, आप हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके पास आ जाए। देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा, आने वाले 7 दिन में क्या चेंज आएगा, आने वाले 7 डेज में आप दोनों के रिलेशन में क्या चेंजेस आएंगे। बॉटम ऑफ एनर्जी कहती है 3 ऑफ वॉन्ड, और द मून कार्ड भी मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं कि, और 2 ऑफ सॉर्ड अगेन, दोनों कार्ड्स मुझे यहाँ दिखा रहे हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, आने वाले 7 दिन में भी कुछ भी वो डिसीजन नहीं लेना चाहेंगे। जस्टिस कार्ड भी यही कह रहा है कि न्याय तो होगा आपके साथ, लेकिन अभी नहीं, अभी ये कहूँगी कि आने वाले 7 दिन तो अभी आपके पर्सन ने अपने आप को बिल्कुल ब्लॉक करके रखा है, वो एक बार फिर से सोच रहे हैं, वो वेट करेंगे, डिवाइन टाइम का वेट करेंगे, अच्छे समय का इंतज़ार करने के लिए वो रुके हुए हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ फाइनेंशियल इश्यूज ही आप लोगों के बीच में हुए हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, और न्याय होगा आपके साथ, लेकिन शायद 7वें दिन आखिरी दिन हो सकता है कि कुछ मैसेज आपके पास आए, क्योंकि उस तभी, लेकिन तब तक आप पेशेंस रखें, आप बहुत ज़्यादा मैसेजेस का वेट ना करें, कॉल का वेट ना करें, जब आप उस एनर्जी को कुछ देर के लिए आप उन्हें छोड़ देंगे, कुछ टाइम के लिए उन्हें सोचने देंगे, तो शायद वो सही डिसीजन पे पहुंच पाएंगे, और हो सकता है कि 7वें दिन आपके पास कोई मैसेज आ जाए, क्योंकि वो डिसाइड करेंगे, लेकिन उन्हें अभी टाइम चाहिए, वो वेट कर रहे हैं अच्छे समय का। देखते हैं आपको क्या करना चाहिए, जो भी ये रीडिंग दिख रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। ओके, ये कार्ड्स अपने आप आए हैं। गाइस आपको जैसा कि मैंने बताया कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कुछ टाइम के लिए उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए, उन्हें डिसाइड करने के लिए उन्हें टाइम देना चाहिए, और बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि बार बार कॉल करना या मैसेज करना, वो नहीं करना चाहिए। सिर्फ मैनिफेस्ट करिए, हीलिंग करिए, सब चीज़ों को बैलेंस होने दीजिए, और खुद खुश रहिए, अपने ईगो को नहीं आने देना प्लीज़ बीच में। फिर से अगर आपने अपने ईगो को आने दिया तो फिर से चीज़ें
खराब हो सकती है। तो बहुत ज्यादा अपने ईगो को मत लाने दीजिएगा बीच में। नाइट ऑफ कप की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर इसके साथ यही कह रही है कि आप मैनिफेस्ट करिए, हीलिंग करिए कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है और बहुत खुश होकर आ रहा है। वो खुद आकर आपको अपने प्यार का प्रपोजल दे रहा है। तो आप सिर्फ यही करिए कि आप उन्हें मैनिफेस्ट करिए और अच्छी हीलिंग दीजिए। द डेविल कार्ड की एनर्जी भी कप ऑफ कार्ड्स के साथ आई है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो आपसे फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, इसलिए वो फिर से आपके पास आएंगे, वो फिर से आपके पास आना चाहते हैं। देखते हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी, जब वो आएंगे तो उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। जब आपके पार्टनर आएंगे तो आपकी उनकी एनर्जी कैसी रहेगी? यस, मैंने कहा ना कि वो आएंगे, और आपकी एनर्जी कैसी होगी? जब वो आएंगे तब उनकी एनर्जी बहुत अपना दिल लेकर आ रहे हैं। देखिए, एंजल ऑफ लव, वो अपना प्यार आपके लिए लेकर आएंगे और आप भी उन्हें दिल से एक्सेप्ट करने वाले हैं। आप भी अपनी जो भी बातें हैं, जो भी पुरानी बातें हैं, उन सबको हटाकर आप भी उन्हें डिवाइन टाइम पर आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे और दोनों की लाइफ बहुत अच्छी चलने वाली है। गाइज, जैसा कि एक नेगेटिविटी मुझे यहाँ पर थोड़ी सी दिख रही है कि वो आपसे फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, इस वजह से वो आपके पास आ रहे हैं, लेकिन उनकी एनर्जी जो है वो लविंग एनर्जी है। वो अपना कप लेकर आ रहे हैं आपके पास, तो उसे आप एक्सेप्ट करिएगा और देखते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या रहने वाला है। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहने वाला है? फिर से न्यू बिगनिंग, वाओ, सब कुछ भुलाकर फिर से एक नई शुरुआत आप दोनों करेंगे अपनी लाइफ में, और अपनी जो भी आपकी क्वालिटीज़ है, जो भी आपके टैलेंट्स है, उसको यूज़ करके आप अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ेंगे। एक नई शुरुआत मुझे दिख रही है और आपके पर्सन भी आपके पास आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो गाइज, ये थी पाइल वन की रीडिंग। आपको रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर किसी भी टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं पाइल 2। पाइल 2 के पर्सन की एनर्जी अभी कैसी है और अभी उनके मन में क्या चल रहा है? पाइल 2 के पर्सन के मन में अभी क्या चल रहा है? पाइल 2 के पर्सन के मन में अभी क्या चल रहा है? बॉटम ऑफ द डेक विश फुलफिलमेंट कार्ड है गाइस। वो आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं, वो आपको समझते हैं कि आप ही की वजह से उनकी लाइफ में सारी खुशियां हैं। अभी उनकी एनर्जी कैसी है? आपकी एनर्जी अभी कैसी है अपने पार्टनर को लेकर? आपकी एनर्जी अभी कैसी है? बॉटम ऑफ द डेक हॉस्टिलिटी। ओके, हर्मिट के साथ 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड। और एनर्जी कार्ड हम देखेंगे आपके पार्टनर के। ओके गाइस, पाइल 1 में जो रीडिंग थी उसमें ऐसा था कि आपके पार्टनर को टाइम चाहिए डिसाइड करने के लिए कि उनको इस रिश्ते में कैसे आगे बढ़ना है, कब बढ़ना है, और वो क्या वो जिम्मेदारियां लेने के लिए रेडी है। पाइल 2 में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उन आपके पर्सन के माइंड में चल रहा है कि वो आपके साथ अच्छी फैमिली चाहते हैं,
और वो इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, जो हर्मिट सिचुएशन है। शायद हो सकता है कि आपने उनको अभी आपकी एनर्जी ने उनको ब्लॉक करके रखा है। आप नहीं चाहते अभी कुछ डिसाइड करना, आप आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, वो चाहते हैं कि आपका रिप्लाई आ जाए, वो आपके रिप्लाई का वेट कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत हो गया, बहुत सब कुछ, मीन्स इस रिश्ते को बहुत टाइम हम दे चुके हैं, अभी एक नाम देना है। तो वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देख रहे हैं अपनी, वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं। और शायद उन्होंने या तो आपको प्रपोज कर दिया है, या फिर इन 7 दिनों में, 7 डेज के अंदर वो आपको फिर से प्रपोज करना चाहते हैं। वो हील कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए, वो बैलेंस कर रहे हैं। और ये कार्ड मुझे यहाँ दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपको अभी, आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको ऑनलाइन भी स्पाई कर रहे हैं। और वो हर तरह से सुनने के लिए रेडी है कि आपका आंसर क्या रहने वाला है। अभी वो आपके बारे में, उनकी एनर्जी भी मुझे यही दिखा रही है कि वो आपको किसी भी हर तरह से वो पाना चाहते हैं। वो हर तरह से हील कर रहे हैं, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं। वो इस रिश्ते को, जो भी उलझा हुआ है उसको सुलझाने के बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं जो भी ये रीडिंग देख रहा है उस उनके मन में अभी क्या चल रहा है अपने पार्टनर के लिए, जो व्यूअर्स हैं उनके मन में क्या चल रहा है अपने पार्टनर के लिए। व्यूअर्स हैं उनके मन में क्या चल रहा है अपने पार्टनर के लिए। बॉटम ऑफ द डेक अगेन 10 ऑफ कप्स। गाइस, आप दोनों एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की खुशियां हैं, हैप्पीनेस है। आप भी एक नई शुरुआत चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ में, लेकिन आपको एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हैं आपका पार्टनर पहले कुछ अचीव कर ले अपनी लाइफ में, पहले कुछ अपनी जो रिश्ते को वो नाम देना चाहते हैं, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, तो पहले वो उस जिम्मेदारी को उठाने के लायक बन जाए, उसके बाद ही आप उनको रिप्लाई देना चाहते हैं। आप वेट कर रहे हैं कि उनकी कोई नई जॉब लग जाए, उनका कोई बिजनेस सेट हो जाए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर फैमिली इशू हो सकता है कि आप दोनों की फैमिली रेडी हो जाए, तो आप भी उनके लिए रेडी हैं, लेकिन अब भी आप उन्हें बोल नहीं रहे हैं। आपके एनर्जी में अपने अपने आप को रोक के रखा हुआ है, अभी आप किसी भी तरह का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये सब चीजें सेट हो जाए, उसके बाद में मैं उनको अपने दिल की बात बताऊं, क्योंकि देखिए आपका दिल यहाँ से खुला हुआ है, लेकिन अभी भी आपने उसे पिंजरे में ही रखा हुआ है, अपनी बातों को अपने तक ही रखा हुआ है, अभी तक आपने सही सिचुएशन अपने पार्टनर को नहीं बताई है। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, लेकिन चीजों को क्लियर करने के लिए आप किसी अच्छे टाइम का वेट कर रहे हैं। हो सकता है आपकी फैमिली से भी आप यस का वेट कर रहे हैं, और हो सकता है अपने पार्टनर को आप एक अच्छे पोजीशन पे देखकर फिर हाँ करने वाले हैं। देखते हैं आने वाले 7 दिन, नेक्स्ट 7 डेज में क्या चेंज आने वाला है। नेक्स्ट 7 डेज में क्या चेंज आने वाला है। वाओ, बहुत ही गाइस मेजर कार्ड्स आए हैं, तो जो भी पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं ये कहूंगी कि वो बहुत ज्यादा अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्ट हैं, और दोनों के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं एक दूसरे को लेकर। दोनों सिर्फ एक दूसरे की खुशियों के बारे में ही सोच रहे हैं। एंड आने वाले 7 दिनों में डेफिनेटली आप दोनों हो सकता है अपने रिश्ते को एक नाम दे दें, आपका पार्टनर, या फिर आप उनके पास जरूर जाएंगे। अगर एक दूसरे से दूर रहते हैं तो भी आप उन तक ट्रेवलिंग करके भी जा सकते हैं, इस रिश्ते को एक नया नाम दे सकते हैं। जितना आप समझ पाएंगे कि आपका पार्टनर आपको कितना प्यार करता है, और एक दूसरे के इमोशंस को देखते हुए आप उनको रिप्लाई भी करेंगे, और सारी चीजें बैलेंस्ड होने लगेगी।
सब चीजें बैलेंस होने लगेगी। द हेरोफेंट और द चैरियट कार्ड दोनों साथ में आए, देखिए ये दिखाता है कि अगर आपको किसी से बात करनी है, किसी से गाइडेंस लेनी है, तो भी आप गाइडेंस भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत ही स्ट्रांग चांसेस है कि आप दोनों किसी बंधन में बंधे हैं और आप दोनों एक दूसरे की जिम्मेदारियां लेने के लिए रेडी हो जाएं इन आने वाले 7 डेज में। आपको सारे जो भी कंफ्यूजन है उनके भी आंसर्स आपको मिल जाने वाले हैं। देखते हैं आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको इस सिचुएशन के लिए। आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जो चीजें पीछे छूट गई है उनको जाने देना चाहिए, एक नए तरीके से अपने रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए, फिर से सोचना चाहिए। और जो आपके पार्टनर आपको अपने प्यार का जो इजहार करने वाले हैं उसको आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और आने वाले 7 दिन में, 7 दिन के बाद, 7 दिन, 7वें ही दिन या 7 दिन के बाद भी आपको इस रिश्ते को, पाइल 2 के लिए ऐसा था कि कुछ ना कुछ आपके रिश्ते में, एक आपके रिश्ते को आप एक नाम देंगे। इतना बड़ा चेंज मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। जो पिछली चीजें हैं उनको आप जाने दीजिए, जो पास्ट है उसको जाने दीजिए, एक नई तरह से आपको शुरुआत करनी है। देखते हैं कैसी रहेगी आपके पार्टनर की एनर्जी आने वाले 7 दिन बाद। मैंने कहा ना कि वो कुछ चाहते हैं, वो न्याय चाहते हैं, वो एक रिश्ता चाहते हैं। और सॉरी मैंने बोला नहीं था, क्या रहेगी आपकी एनर्जी आने वाले 7 दिन बाद। कुछ पास्ट के ऐसी चीजें हैं जिसको, जैसे 7 ऑफ सॉर्ड में मुझे यहाँ पे दिखा और वापस 7 आया है, तो आप बहुत ज्यादा शायद अपने फाइनेंस के बारे में सोच रहे हैं, अपने रिश्ते के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। तो आपकी एनर्जी मुझे थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूजन में रहने वाले हैं कि मैं रह लूँ कि नहीं लूँ, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत क्लियर होगी। वो इस रिश्ते को कुछ ना कुछ, वो ट्राई करेंगे कि इस रिश्ते को कुछ ना कुछ नाम दे दिया जाए। तो गाइज मैं यही कहूंगी कि वो बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ आपके पास आएंगे और आप इसे एक्सेप्ट करेंगे तो ही अच्छा होगा। और जो भी पिछला पुराना, जो भी आप सोच रहे हैं फाइनेंस के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके लिए एक कार्ड और मैं निकालूंगी यहाँ पर, क्योंकि क्यों यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड है और डिसीट कार्ड है, क्या आंसर आपको देना चाहिए। अगेन नेगेटिव कार्ड है। गाइस बार बार ऐसे ही कार्ड्स आ रहे हैं, तो आपके पार्टनर की तरफ के से मैं यही कहूंगी कि उनकी एनर्जी तो आपको एक्सेप्ट करने की, एक रिश्ते को नए नाम देने की है और आपके साथ पूरी लाइफ निकालने की है, लेकिन कहीं ना कहीं आप रेडी नहीं हैं। तो ठीक है गाइज, आपको थोड़ा सा अपना टाइम लेना चाहिए। स्ट्रेंथ कार्ड से देखकर मैं यही कहूंगी कि आपको थोड़ा टाइम लेना चाहिए, कुछ महीने लेने चाहिए और 7-8 महीने और आपको निकालने चाहिए और सोचना चाहिए इस रिश्ते के बारे में, और अपने पर्सन को भी समझाना चाहिए कि इस रिश्ते के लिए आपको कुछ टाइम देना चाहिए। और जब तक दोनों में वो स्ट्रेंथ नहीं आ जाती, जब तक आप दोनों में दोनों इस रिश्ते को लेकर पूरी तरह से रेडी नहीं हो जाते, तब तक आपको इस रिश्ते को नाम नहीं देना चाहिए। ओके गाइज, ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आपको रीडिंग कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कुछ नए टॉपिक्स पे अगर आपको रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। एंड अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।